यह एक बहुत ही लोकप्रिय जड़ी बूटी है, जिसे हिंदी में माजुफल, तमिल में मस्कई, मलेशिया में मंजाकनी और अंग्रेजी में ओक गॉल कहा जाता है। तमिलनाडु में तो विशेष रूप से आप इसे हर नवजात शिशु वाले घर पर पाएंगे। जिस तरह से माजुफल बनाया जाता है वह बहुत दिलचस्प है। जब एक ओक के पेड़ की पत्तियों पर विशेष प्रकार के कीट हमला करते हैं, तब माजुफल का उत्पादन होता है। माजुफल फल ना होकर कीट का घर होता है। माजुफल देखने में गोल और कठोर होता है। इसके कारण पत्तियों में कीड़ों के चारों ओर गोल कणों का निर्माण होता है। इसे ओक पित कहा जाता है। 5 से 6 महीने बाद कीड़े पत्तियों से निकल जाते हैं। ओक गोल्स सूखने के बाद इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं माजुफल के मुख्य फायदों के बारे में। नंबर 1, योनि की कसावट के लिए। एक पैन में 1 लीटर पानी लें और इसे उबाल लें और 2 किलो माजुफल को पीसकर उबलते पानी में डालें। जब तक इसका रंग नहीं बदल जाता तब तक उबालें। इसके बाद इसको ठंडा होने दें और छान लें और योनि को धोने के लिए उपयोग करें। अच्छे परिणाम के लिए कीगल एक्सरसाइज के साथ गर्भावस्था के तुरंत बाद इसका प्रयोग करना शुरू कर दें। नंबर 2, माउथ अल्सर के लिए। यह मुंह के अल्सर के उपचार के लिए बहुत ही अच्छा उपाय होता है। इसमें उच्च कसैले गुण होते हैं और यह अपने इस गुण के कारण मुंह के अल्सर को बहुत जल्द ठीक करता है। नंबर 3, बच्चों के लिए। जैसा कि इससे पहले बताया गया है कि माजुफल का उपयोग बच्चों के इलाज के लिए भी किया जाता है। आप सप्ताह में एक बार हरीतकी और जायफल के साथ चंदन के पत्थर पर ओक को रगड़ते हैं, जो एक पेस्ट प्राप्त करने और बच्चों को खिलाने के लिए जलाया जाता है। इसे तमिल में उरई मारुंधु कहते हैं। यह उन्हें बीमार पड़ने से बचाता है और बच्चों को स्वस्थ रखता है। यह एक परंपरा है जो सभी घरों में कई वर्षों से दक्षिण भारत में चली आ रही है। नंबर 4, घाव का इलाज करें। मंजाकनी को पानी में उबालकर घाव और खरोंच को धोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। नंबर 5, मधुमेह का उपचार है। इसमें गैलिक एसिड होता है जो अस्थमा और शुगर को रोकने में मदद करता है। आप मंजाकनी चाय बनाकर भी पी सकते हैं। नंबर 6, कैंसर से बचाव करें। माजुफल में पाए जाने वाले समृद्ध एंटीऑक्सीडेंट सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर को रोक सकते हैं। नंबर 7, त्वचा को बेहतर रखे। मंजाकनी में मौजूद एस्ट्रिजेंट त्वचा को चिकना और मुहासों से बचाने में मदद करता है। चूंकि यह एस्ट्रिजेंट में समृद्ध है तो यह त्वचा से अतिरिक्त तेल को निकालता है। यह चेहरे के बड़े रोम छिद्र को कम कर सकता है। त्वचा पर 5 मिनट के लिए मंजाकनी पेस्ट लगाएं और उसके बाद धो लें। यह त्वचा की कसावट के लिए एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। नंबर 8, आँखों के लिए। इसमें मौजूद एस्ट्रिजेंट आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक होता है। आँखों में उदकों को सिकोड़ने वाले गुणों के कारण यह दृष्टि में सुधार करता है।